Hey guys, welcome and welcome back to my channel, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक वन का यूनिट टू, जिसका नाम है बेसिक ऑफ सी। तो हम आज MCS 011 का ब्लॉक वन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या, ठीक है? What is a programming language? A programming language is an artificial language which is used to design instructions that are executed by a particular machine, yani as a computer, for programming some tasks. Okay? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, जो जिसका यूज कोई इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए करा जाता है। एक पार्टिकुलर मशीन या मशीन कह सकते हो, या कोई भी हाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हो, एज इज इन कंप्यूटर। सो परफॉर्म करने के लिए कोई टास्क को रिज्यूम करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है? और जैसे कि कंप्यूटेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। मार्क्स जीरो भी नहीं कटने वाले हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, जितने फुल फुल नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पढ़ ले लिखना, साफ सुथरा लिखना। सेकेंड है कि व्हाट इज सी एंड हिस्ट्री ऑफ सी। हिस्ट्री ऑफ सी अगर मैं आपको डिटेली बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि सी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू नो दैट कि सी इज द आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए इन 1972 में स्टार्ट हुआ था। इसका नाम सी लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसको हम देखिए, यहाँ से बहुत सारा लंबा है, एक बुक में लिखा हुआ है, जिसे जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ रिज्यूम करा है। तब इसको थोड़ा सा डीपली देख लेना, ज़्यादा हार्डली कुछ नहीं है। आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बार प्रॉपर तरीके से आप देख लोगे ना, तो 100% का जो होता है ना कि कार्ड छांट के एक डिफिनेशन रेडी कर पाओगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का। देखो ये है, ठीक है, एंड ये भी है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसका, सब तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को ये भी शो करा है कि नाउ यू सी हाउ टू राइट इन योर एग्जाम ऑफ क्वेश्चन, अगर आए कि हिस्ट्री ऑफ सी की बताओ। तो इसको इतना मैंने बहुत, ये तीन पेज को बहुत ही डिफाइनली यूजेबल करके मैंने छोटा सा डिफिनेशन रेडी किया है कि सी प्रोग्राम इज अ लैंग्वेज कम आउट ऑफ अ बेल लैब्स इन अर्लियर 1970 एज ए, मतलब एक 1970 में ये कम निकल चुका था और एग्जीक्यूट, मतलब पूरी दुनिया को 72 के लगभग पता चला। अकॉर्डिंग टू द बेल लैब पेपर डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज बाय डेनिस Hitachi and the C programming language was developed in the earlier 1970 as a system implementation language for the ancient Marcian Linux operating system, ठीक है? तो इस सब को बहुत ही डीपली मैंने निकाला है, जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। इतना सारा इतना जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि इतना लिखने के बाद आप लोग को 100 में 100 जो भी मार्क्स होगा, जितने क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे उतने आउट ऑफ मिलने वाले हैं, ठीक है? एक बार इसको रीड कर लेने की जरूरत है बस। फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस बिटवीन बताना है। मैंने बहुत हार्डली वर्क करके इसमें इजिली निकाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि इट इज अ इजी टू लर्न, बट लो लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ठीक है? इट लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइडेड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल या हार्ड लेवल और हाई लेवल, ठीक है? एंड इट मतलब लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपको हार्डली प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी टू राइट एट लो लेवल लैंग्वेज। हार्ड है कि नॉर्मली यूजर टू यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम, बट इसमें कि नॉर्मली यूजर टू राइट लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग,
इजी टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना बहुत ही इजी है, बट लो लेवल लैंग्वेज में डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा. एंड इसको एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज में इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो है, एंड बट इसका जो है एग्जीक्यूशन लेवल फास्ट है. एंड प्लेटफॉर्म इज इंडिपेंडेंट, बट लो लेवल का इंडिपेंडेंट नहीं है प्लेटफॉर्म, ठीक है. फाइव क्वेश्चन में हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज सी रेफरेंस एज टू मिडिल लेवल लैंग्वेज. ये भी क्वेश्चन बहुत बार ही पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सी लेवल लैंग्वेज जो है मिडिल, सी रेफरेंस को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जा सकता है, तो हम इस तरीके से इसको आंसर को प्रोवाइड करेंगे अपने कॉपी पे, आंसर सीट पे, कि सी इज अ रेफरेंस टू एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज एज विद द सी वी आर एबल टू मैनिपुलेट बीट्स एंड बाइट्स एंड एड्रेस एग्जांपल इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर डायरेक्टली and we are also able to carry out memory management as a function, ठीक है. तो इस चीज को इस तरीके से लिखोगे तो कुछ hardly नहीं जाने वाला है और सब easily answers 11 आपका निकल जाएगा. मैंने भी इसी तरीके से तैयारी कर रखा है. अब इसके थोड़े से structure को देख लेते हैं, structure of C program. As well as we have already seen to solve program there are three main things of consider. Firstly है कि what would be output, what should be the output. हमें देखना है कि प्रोग्राम, अगर हम जैसे कि हम बता दें कि हम लोग को प्रोग्राम ऑलरेडी सॉल्व करने देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है उसका थिंग ऑफ कंसीडर, तो हम लोग को देख सकते हैं जो कि थ्री पार्ट में. फर्स्टली है कि what should be the output, हमें आउटपुट क्या देना है हमारे क्वेश्चन में क्या है. सेकेंडली what should the input and there be required to product this output to thirdly output, जो कि मतलब बताया जा रहा है कि what should input, हमें क्या input लेने के बाद वो output हमें provide हो सकता है. Thirdly है कि the step and instruction which is used to input rules, rule wise हमें instruction को follow करना है and उसको जो भी inputs हैं उनको लिखना है, ठीक है. तो ये सारी चीज थे जो कि आपको प्रोग्राम सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि कैसे कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह, मैं सारी चीज को एकदम इजी वे में समझाते हुए चलूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा हार्ड ना लगे. और जहाँ डीपली जाने की कोशिश करनी हो तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा. बट मैं यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बता रही हूँ कि हाउ टू राइट इन योर एग्जाम इन एक नोट, ओके. सो कुछ हार्ड नहीं रह जाता है, बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा, डोंट वरी फॉर अबाउट दिस. एंड मैं कुछ टाइम के बाद सिंटेक्स भी बताने वाली हूँ, तो इसका सिंटेक्स समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, वीडियो को अंत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो सिंटेक्स को मैं कल समझाती हूँ कि सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या हो सकता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं ग्लोबल डाटा डिक्लेरेशन कैसे होता है, प्रोसेसर ड्राइव क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ठीक है. ये सबको डिफिनेशन ड्राइव करते हुए समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे हेल्दी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.